Hello everyone, welcome to this channel. If you're new here, my name is Avni, and on this channel we talk a lot about books, we talk about productivity, about lifestyle and immigrant life. पर आज का जो ये वीडियो है ये इन किसी भी टॉपिक्स में से नहीं है. इनफैक्ट ये एक ऐसा टॉपिक है जो मैं कभी भी मेरे चैनल पर मैंने इसके बारे में बात नहीं किया है और ये मेरे चैनल के जॉनरा से बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है. बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट आई सिट एंड टॉक अबाउट दिस वीडियो बिकॉज दिस इज अबाउट अ क्रिएटर हुम आई हैव बीन adoring since years, whom I have been following since years, और उन्होंने आज ये अपील की है सारे यूट्यूबर्स से कि हम आगे आए और उनकी मदद करें. जिस डिफिकल्ट टाइम से वो गुजर रहे हैं उसमें हम उनकी मदद करें. सो आई फील लाइक इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू हेल्प हिम आउट. सो आई एम टॉकिंग अबाउट श्वेताब गंगवार. उनके ऊपर प्रखर ने 2 करोड़ का केस किया है अलॉन्ग विद संदीप माहेश्वरी एंड डी बॉय. और ये पूरी कॉन्ट्रोवर्सी बहुत टाइम से चल रही थी और मैं इसे काफ़ी क्लोजली फॉलो कर रही थी. दोज हू नो अबाउट इट वुड नो. और मैं भी चाहती थी उसके ऊपर काफ़ी वीडियोस बना सकती थी जैसा कि काफ़ी सारे यूट्यूबर्स ने बनाए हैं और इस कॉन्ट्रोवर्सी को काफ़ी मिल्क किया है. बट ऑनेस्टली आई वॉज डीपली सैडन्ड बाय इट. इसलिए मैंने इस बारे में कभी बात नहीं की क्योंकि ये तीनों ही क्रिएटर्स श्वेताब, संदीप माहेश्वरी और प्रखर मेरे काफ़ी फेवरेट हैं. संदीप माहेश्वरी को तो मैं अपने टीनेज ईयर्स से फॉलो कर रही हूँ. मैंने उनका लाइव सेशन भी अटेंड किया है. मैंने उनकी जो आसाने वाला सेमिनार हुआ था उसकी लिटरली ईमेल करके कैसेट्स वगैरह सब कुछ मंगवाई थी अपने घर पे. और या आई हैव बीन अ बिग फॉलोअर ऑफ फिल्म सिंस मेनी ईयर्स. उसके बाद जब मैंने श्वेताब को सुना यूट्यूब पे एंड आई वॉज लाइक मेस्मराइज्ड कि वाओ, दीज आर वेरी गुड ब्रांड न्यू पर्सपेक्टिव्स जो मैंने इस तरह से क्यों नहीं सोचा. एंड दोज वीडियोज ऑफ हिम रियली रियली हेल्प्ड मी. चाहे वो प्रोक्रेस्टिनेशन के बारे में हो, चाहे वो रिलेशनशिप्स के बारे में हो, हर चीज उनके हर पर्सपेक्टिव ने मेरी आंखें खोली. एंड आई एम श्योर बहुत सारे लोगों की मदद करी है श्वेताब ने. एंड देन थ्रू श्वेताब ओनली आई केम टू नो अबाउट प्रखर. और उसके पर्सपेक्टिव भी मुझे काफी नुआंस लगते थे. ही इज अगेन वेरी गुड इन हिज आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन. सो या आई स्टार्टेड फॉलोइंग हिम एज वेल. बट ये जो पूरा बीफ हुआ है, जो पूरी कॉन्ट्रोवर्सी हुई है, आई वॉज समहाउ वेटिंग कि ये कब खत्म होगी. एंड यू नो मेरे सारे क्रिएटर्स मैं कब उनको शायद आपस में एक साथ देखूंगी. बट अनफॉर्चुनेटली दैट्स नॉट गोना हैपन एनीमोर. बट या इस पूरी कॉन्ट्रोवर्सी ने मुझे एक जो चीज सिखाई है वो ये है कि आप जिसे भी फॉलो करते हो, आप जिसके भी एडमायरर हो, अल्टीमेटली वो है एक इंसान ही और उसको इंसान की तरह ही देखना चाहिए. ये बात श्वेताब ने ही सिखाई थी जब हम यू नो बॉलीवुड के बारे में दीवाने हुए पड़े थे, स्टार्स के बारे में इतना सोचते थे. देन आई गॉट दिस पर्सपेक्टिव एंड आई स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट पीपल लाइक दैट वे ओनली. पर अब जब ये सब कुछ हो चुका है यूट्यूब की दुनिया में और बहुत बड़ी चीज हो गई है, सो आई स्ट्रांगली फील लाइक चाहे वो संदीप माहेश्वरी हो, चाहे श्वेताब हो या प्रखर या कोई भी और गुरु हो, चाहे वो बड़े से बड़ा गुरु हो, स्पिरिचुअल गुरु हो, सबको इंसान की तरह देखना चाहिए. क्योंकि सब गलती करते हैं, सब अपने पर्सपेक्टिव से सीखते हैं. कोई सीखता है, कोई नहीं सीखना चाहता. लाइक फॉर संदीप माहेश्वरी आई लर्न कि भाई वो अपना क्रिटिसिज्म नहीं ले सकते हैं. ही हैज बिकम दिस लाइक ही हैज दिस होल बिग गॉड कॉम्प्लेक्स, जैसा कि वेदांत रस्टी ने बोला था अपने वीडियोज में. बट या दैट्स ट्रू. लाइक He was calling Prakhar out as a छोटी बच्ची, but I feel like he himself has acted as a छोटी बच्ची in this whole propaganda. क्या मतलब है ऐसे community post करने का, pig बुलाने का दूसरों को, छोटे creators को? यदि आप इतने ही महान हो, यदि आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता है, तो क्यों आपको you know action लेना था उसके ऊपर? क्यों आपने सबसे पहले श्वेताब को legal notice भेजकर, एक तरह से धमकी भेजकर बोला कि video take down करो? उसने कर भी दिया, प्रखर ने नहीं किया, because He wasn't worrying about that. वो apparently काफ़ी बड़ी family से hail करता है. उसके पापा law firm चलाते हैं, उसकी मम्मी judge हैं. So probably उसे वो सब चीज़ों का फर्क नहीं पड़ा. Again, संदीप माहेश्वरी मुझे उस context में भी गलत लगे थे जब उन्होंने प्रखर को Indian flag पहनने के लिए call out किया था उसकी graduation ceremony में. वो बिल्कुल ही गलत point of view था और मैं उसमें बिल्कुल पूरी तरह से प्रखर के साथ थी. Because I am also in NRI, मैं भी यहाँ फ्लोरिडा में USA में रहती हूँ. और मुझे पता है कि यदि हम यहाँ पे अपना फ्लैग पहनते हैं या उसे रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी तरीके से, इट डजंट मीन एट ऑल कि हम इंडिया को डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं. बल्कि ये यहाँ पे बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जनरली कोई नहीं ऐसे इंडिया के फ्लैग को लेके घूमता है यहाँ पे. इवन कोई अपने घरों के बाहर भी इंडियन फ्लैग लगाता है ना, तो साथ में अमेरिकन फ्लैग भी लगाता है. बिकॉज इट मे कम आउट एज अ डिसरिस्पेक्ट कि हम क्यों सिर्फ इंडिया का फ्लैग लहरा रहे हैं. आप इसको ऐसे भी देख सकते हो कि आप इंडिया में रहकर किसी और देश का झंडा लगाओगे? नहीं. यदि लगाओगे भी तो इंडिया का भी लगाओगे, राइट? इवन इफ यू हैव सम फीलिंग्स ऑफ रिस्पेक्ट टू शो टुवर्ड्स दैट कंट्री, इट्स द सेम थिंग हियर. और ऐसे में अगर वो अपने ग्रेजुएशन सेरेमनी में इंडिया का फ्लैग लेकर जाता है
और प्राउडली वो पहनकर वो स्टेज पर चढ़ के अपनी डिग्री लेता है उसके कन्वोकेशन में. तो आई थिंक दैट्स अ बिग डील एंड आई हैड मैसिव रिस्पेक्ट फॉर दैट गाय. ये जो बहुत छोटी छोटी सोच वाले लोग आके बोल रहे हैं ना कि ओ हो सोल्जर्स पहनते हैं वो फ्लैग तो और उसकी बहुत गरिमा है, ये है वो है. अरे वो भी इंडियंस हैं, हम भी इंडियंस हैं. जस्ट बिकॉज कोई इंसान इंडिया के बाहर रहता है दैट डजंट मीन कि वो लेस पेट्रियोटिक है. हाँ वो ज्यादा प्रिविलेज्ड हो सकता है इन सम वेज. उसके लिए अगर आप जल रहे हो और उस जलन में वो सारी चीजें लिख रहे हो दैट्स अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर एंड यू शुड रियलाइज दैट कि आप उस फीलिंग्स में ये सब चीजें लिख रहे हो. एंड मे बी जब तक किसी के पास कोई ग्लोबल पर्सपेक्टिव ना आए ना कोई इस बारे में उस तरह से नहीं सोच सकता. आई फेल्ट दैट वे. वो चीज तो मुझे बिल्कुल ही बेबुनियाद लग रही थी. ऐसा लग रहा था कि बस संदीप माहेश्वरी बैठे हैं किसी तरीके से कि कहीं कोई उन्हें पॉइंट मिल जाए कि वो प्रखर के खिलाफ जाकर कुछ बोल सके और ये बस पॉइंट उन्होंने पकड़ लिया और उसका बात का बतंगड़ बना दिया. बट देन अगेन प्रखर पूरी तरह से गलत था जब उसने श्वेताब की और खुद की प्राइवेट चैट्स को पब्लिकली यूट्यूब पर दिखा दिया. दैट वॉज वेरी रॉन्ग, दैट वॉज इमोरल आई वुड से. और आप चाहे व्यूज के लिए सब्सक्राइबर्स काउंट के लिए जो भी कर लो लेकिन इतना नीचे आपको नहीं गिरना चाहिए. लाइक लिटरली श्वेता ने उसको फर्श से उठा के अर्श पे रखा है, उतना तो वो ग्रेटफुल हो सकता था. उसकी श्वेता की वजह से जो सारे व्यूज आया, सारी ऑडियंस जो उसके पास आई है वो श्वेता की ही ऑडियंस है. तो मे बी प्रखर ने सोचा होगा कि मैं कुछ एक नया दांव खेलूंगा, ये चीज मेरे लिए अच्छी हो जाएगी. बट वो उसके लिए ही उल्टी पड़ गई. जब तक संदीप माहेश्वरी के साथ उसका झगड़ा चल रहा था पूरा पब्लिक सेंटीमेंट प्रखर के साथ था. एवरीबडी वॉज कॉलिंग आउट संदीप माहेश्वरी, मोस्ट ऑफ द पीपल वर. बट जैसे ही उसने ये सब ओछी हरकतें कर दी ना तो सारी चीजें उसके फेवर से चली गई. एंड आई फील लाइक ये तो वर्स्ट टाइम है ये चीजें करने का. फर्स्ट ऑफ ऑल क्योंकि श्वेताब के भी पर्सनल प्रॉब्लम्स चल रहे हैं. बट इवन दो वो नहीं भी होते लाइक ऑन ह्यूमैनिटी बेसिस दिस इज रॉन्ग. यू जस्ट कांट सू समवन फॉर टेलिंग द ट्रूथ. और श्वेताब का ये पॉइंट बिल्कुल सही था इस वीडियो में कि हम क्रिएटर्स एक दूसरे को सू नहीं कर देते, अदरवाइज इस चीज से और बढ़ावा मिलेगा बड़े बड़े लोगों को, बड़े बड़े कॉरपोरेशन को, कि कल को कोई भी छोटा मोटा क्रिएटर जैसे मैं भी हूँ, मैं किसी भी बारे में अपने व्यूज देने से पहले 10 बार सोचूंगी. मैं तो यहाँ ऑनेस्ट बुक रिव्यूज करने के लिए जानी जाती हूँ. अगर मैं वो करने से पहले सोचने लग जाऊँ कि यार इस बुक का जो ऑथर है, या कोई मूवी रिव्यू करने से पहले सोचने लग जाऊँ कि इस मूवी का जो प्रोड्यूसर है, डायरेक्टर है, वो मुझे सू ना कर दे, तो ऐसे तो फिर फ्रीडम ऑफ स्पीच कुछ रह ही नहीं जाती. और आपको समझना होगा कि केस कर देना एक बहुत बड़ी बात होती है. कल को वो कोई भी जॉब के लिए जाता है, उसका बैकग्राउंड चेक होगा, वहां पर पूछा जाएगा कि आपके ऊपर कोई केस तो नहीं चल रहा है, मे बी ये चीज वहां सामने आ जाए, या बहुत सारी छोटी छोटी चीजें होती है. आई डोंट नो, जैसे पासपोर्ट रिन्यूअल के लिए जाता है उसमें भी ये सब पूछा जाता है, आप वीजा इंटरव्यूज के लिए जाते हैं उसमें भी ये पूछा जाता है. आई थिंक वो क्रिमिनल केसेस के बारे में आता है, बट आई डोंट नो उसका क्या एक्सटेंट है और ये केस किस एंगल पे चल रहा है. बट इफ ये बहुत बड़ा रूप ले लेता है तो ये सारी चीजें श्वेताब की डे टू डे लाइफ में असर करेंगी, इवन उसके स्पाउस को भी असर करेंगी, क्योंकि ये सारी चीजें तब भी पूछी जाती है कि आपके स्पाउस किसी केसेस में इन्वॉल्व तो नहीं है. सो आई नो, एंड इवन बीइंग एन इमिग्रेंट ये और भी ज्यादा मुश्किल है. आपको किसी भी दूसरी कंट्री जाना है, आपको इंडिया जाना है, वीजा पर जाना है, सब जगह ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं. और कुछ लोगों का आर्ग्यूमेंट था कि श्वेताब को सीयू बैक कर देना चाहिए, बट वो इतना ईजी नहीं है गाइज, बिकॉज एज अ सेड कि एक केस हो जाना मतलब बहुत बड़ी बात है और आपको इंडिया में तो बहुत लंबे लंबे टाइम तक केसेस चलते हैं. सो एक ऐसा व्यक्ति जो इंडिया से बाहर ऑलरेडी रहता है उसे बार बार इंडिया आना पड़ेगा, कोर्ट्स में जाना पड़ेगा, व्हेन ऑलरेडी इज गोइंग थ्रू सो मच. सो सू बैक कर देना आई डोंट थिंक दैट्स एन ऑप्शन फॉर हिम. सो आई रियली होप कि प्रखर वापस ले अपना केस. एंड आई डोंट नो, इससे किसी का भला नहीं होना है, उसकी खुद की अभी बुक आने वाली है. ही इज लाइक ही सैबोटेजिंग हिज ओन बिजनेस. अभी पब्लिक सेंटीमेंट तो पूरी तरह से श्वेताब के साथ है और होना भी चाहिए. संदीप माहेश्वरी भी आ गए हैं साथ देने के लिए. आई वुड से बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं वो. आई डोंट नो कि वो कितना साथ है, और यदि है तो उन्हें लाइक लीगली इफ ही कैन हेल्प आउट श्वेताब, और फाइनेंशियली इफ ही कैन हेल्प आउट श्वेताब, ही शुड डू दैट. बट या आई डोंट नो, बींग अ क्रिएटर मैं सिर्फ इतना ही कर सकती हूँ कि आप लोगों से अपील कर सकती हूँ, जो दूसरे क्रिएटर्स हैं उनसे अपील कर सकती हूँ कि प्लीज आगे आओ, सेव श्वेताब, सेव यूट्यूब इंडिया. एंड या आई रियली होप ये सब कॉन्ट्रोवर्सी से ये लोग बाहर आए, ये सारी मिसिंग सिचुएशन जल्दी से जल्दी सुलझ जाए. और ये कोई पेड रिव्यू नहीं है प्लीज, क्योंकि जब मैंने श्वेताब की बुक का रिव्यू किया था उसके नीचे भी बहुत सारे कॉमेंट्स आए थे कि ये पेड रिव्यू है. प्लीज गाइज ऐसा नहीं है, और यदि ऐसा होता तो मेरा चैनल आज बहुत ज्यादा पॉपुलर होता और मैं बहुत पैसे कमा रही होती. बट ऐसा नहीं है. आई एम अ पर्सन हु लाइक्स टू कॉल अ स्पेड अ स्पेड. मैं ज्यादा कॉन्ट्रोवर्सीज में फंसना नहीं चाहती हूँ, बट वेन आई एम टॉकिंग अबाउट समथिंग आई एम पोरिंग माई हार्ट आउट. मैं फिर ब्लैक एंड व्हाइट तरीके से रहना पसंद करती हूँ.
और ये कॉन्ट्रोवर्सी पे आई फील लाइक इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बींग अ क्रिएटर ऑल्सो इट बिकम्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं आगे आऊँ और शायद आपको हेल्प करूँ, स्पेशली वेन ही इज आस्किंग फॉर इट, विच इज वेरी रेयर. And it saddens me to see a favorite creator of mine dragged down to such a state. So yeah, these were my views on this whole controversy, on this whole mess. I really hope that Shweta comes out of it and just may God give him the strength to go through all of this. That's it.